हाँ जी बेटा जी, क्या हाल है जी आप सबका। तो आज बेटा शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स का जो आरटीपी है नवंबर 20। इसको इसके बारे में काफी डिमांड आ चुकी है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसके अंदर जो काफी लोगों को तंग कर रहा है, उस पर भी आएंगे, बट शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो रेशियो एनालिसिस का एक सिंपल सा सम है। इस तरह के काफी क्वेश्चन हमने कर रखे होते हैं, फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर लक्ष्मी एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड। नेटवर्किंग कैपिटल दी हुई है, नीचे करंट रेशियो है, तो सी ए माइनस सी एल वर्किंग कैपिटल, नेटवर्किंग कैपिटल, और सी ए अपॉन सी एल होती है करंट रेशियो। तो यहां से सी ए और सी एल तो आपके आ गए। फिर सी एल को यूज करके आप लिक्विड एसेट तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि क्विक रेशियो दे रखी है। रिजर्व इन सरप्लस है, फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी, फिक्स एसेट अपॉन शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटरी मीन्स, देन बैंक ओडी। बहुत सिंपल सा है, आपको ये कहा गया समराइज बैलेंस शीट तैयार कर दीजिए, इतना कोई ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं है, ठीक है। तो ये बड़े आसानी से हो जाएगा। फिर भी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जहां कहीं हमें लगेगा कि हमारा करने का तरीका अलग होगा वहां डिस्कस भी कर लेंगे। सर देखिए, यहां तक तो कोई शक नहीं है कि सेम ही जाना है। नेटवर्किंग कैपिटल के थ्रू आप करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये आपकी करंट लाइबिलिटी आ रही है, ये आपके करंट एसेट आ रहे हैं, बिल्कुल सही। देन उसके बेस पे करंट लायबिलिटी को यहां पुट कर दिया जाएगा तो लिक्विड एसेट्स और इन्वेंटरी पता चल जाएगा, तो इन्वेंटरी भी आ गई। सर सर फिर ये जो कॉम्पिटिशन ऑफ प्रोप्राइटरी फंड, फिक्स एसेट, सेंडरी क्राइटर, ये वाला जो तरीका है थोड़ा सा हमारा इससे कई बार अलग रहता। हम ज्यादातर इसमें एक रफ बैलेंस शीट वाली अप्रोच में समझते थे, याद होगा आपको, वही बनाने की कोशिश है। जैसे कि फिक्स एसेट, करंट एसेट, यहां करंट लायबिलिटीज और यहां है शेयर होल्डर फंड। इंस्टीट्यूट का मेथड भी गलत नहीं है, बट मैं क्या करवाऊं वही जैसे ज्यादातर क्लास में आप लोग पसंद करते। तो सर इसमें आप कैसे करोगे, फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड का तो एक रेशियो दे रखा है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी अब आपको पता चल चुका है, तो वो यहां पुट करो। करंट एसेट कितने हैं सर, 8 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी है सर, करंट लायबिलिटी देखो सर सॉल्यूशन में कितनी आई है, 3,20, यहां पुट करो, ठीक। अब बैंक ओडी इसी के अंदर माना जाएगा, तो बैंक ओडी के साथ कोई लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट नहीं लिखा होगा। अब इन्होंने लिखा है कि फिक्स एसेट अपॉन शेयर होल्डर फंड इज 0.75, ये पहले आप पक्का कर लें, फिक्स एसेट टू शेयर होल्डर इज 0.75। अब शेयर होल्डर फंड को एक्स ले लो, फिक्स एसेट हो जाएंगे 0.75x, फिर टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी ये चीज इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट, टैलेड बैलेंस शीट में तो ऐसा ही होता है, तो एक्स प्लस 3.2 इज इक्वल टू 0.75x प्लस 8 लाख, यही स्टोरी। हाँ जी सर, सर ये हो गया 0.25x इज इक्वल टू 4.8 लाख। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, डिवाइड दिस, तो 4.8 डिवाइड बाय 0.25, ये आ गया x इज इक्वल टू 19,20,000। ये 19,20,000 सर क्या चीज आई, सर x जिसे माना था ये वही चीज आई। सर x किसे माना था, शेयर होल्डर फंड को, ये शेयर होल्डर फंड आ गए, इससे आप अपने फिक्स एसेट निकाल लेना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बहुत ही सिंपल है। और इनके तरीके को भी एक बार देख लें, है ना, कि वहां रिजल्ट सेम होने चाहिए, तभी दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट बनेंगे। यस सर, उनके भी शेयर होल्डर फंड यही आ रहे हैं, फिक्स एसेट भी आ गए उसका 0.75 करते ही। सर कोई मुश्किल नहीं है, उन्होंने ये चीज ऐसे कर दी थी कि लाइक ये प्रोप्राइटरी फंड फिक्स एसेट प्लस नेटवर्किंग कैपिटल के बराबर होंगे। वो आप मेरे इस इक्वेशन से भी देख सकते हो कि अगर मेरा ये प्रोप्राइटरी फंड है जिसे हमने शेयर होल्डर फंड कहा हुआ, ठीक है, ये मेरी करंट लायबिलिटी है, इसे मैं इधर ले जाऊं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस नेटवर्किंग कैपिटल। ऐसी सिचुएशन में होल्ड हो रहा है क्योंकि देयर इज नो लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वॉल्वड, लॉन्ग टर्म आउटसाइडर फंड नहीं है, लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। मैं ये बैलेंस शीट अप्रोच इसलिए प्रेफर करता हूं कि अगर वो भी यहां हो तो इससे करना ज्यादा आसान है, ठीक है जी। तो जो हमारा क्लास में मेथड था वही हम यहां अप्लाई कर रहे हैं। इस बेस पे सर जी हमारा फिक्स एसेट तक हम समझ गए। सर उसके बाद क्या हो रहा है कि प्रोप्राइटर फंड में से आपको रिजर्व एंड सरप्लस का बताया तो बाकी आपकी शेयर कैपिटल बन जाएगी, करंट लायबिलिटी में से आपको बैंक ओडी का बताया तो बाकी आपके क्रेडिटर बन जाएंगे। बैलेंस शीट देसी स्टाइल में ही दे रखी है, वैसी इन्होंने बना दी है। और जो इन्फॉर्मेशन देखें तो लक्ष्मी एंड कंपनी था, वहां कोई
एज सच लिखा नहीं हुआ था क्लियरली कि लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, तो ये वाली बैलेंस शीट भी आपकी चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि ज्यादातर जब रिजर्व सरप्लस और ऐसी बातें होती है तो इंप्रेशन कंपनी का ही होता है माइंड में। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये बैलेंस शीट सिंपल सी दी हुई है। आप दूसरी बनाना चाहते हैं तो नोट देके बना सकते हैं, अदरवाइज डन है। अब सर अगला क्वेश्चन आया है और इसमें इन्होंने YTM लगा दिया, वो इसकी खास बात है, अदरवाइज क्वेश्चन तो पुराना है। WACC निकालो, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू वेट्स। ऐसा सर बहुत बार होता रहता है आपकी पढ़ाई में कि एक ही क्वेश्चन में बुक वैल्यू वेट और मार्केट वैल्यू वेट दोनों पूछ लेते हैं। डिबेंचर्स हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, प्रेफरेंस है, इक्विटी है, रिजर्व्स नहीं है, रिजर्व्स यहाँ नहीं है, ध्यान ये दें। मार्केट प्राइस ऑफ दी सिक्योरिटीज आर डिबेंचर 105, प्रेफरेंस 110, इक्विटी 24। मार्केट वैल्यू वेट लगाने के लिए सारी इंफॉर्मेशन दे रखी। अभी आगे आता है कि ₹100 पर डिबेंचर, रिडीमेबल एट पार, 10% कूपन, 4% फ्लोटेशन, 10 ईयर मेच्योरिटी, ये बातें लिख के आती हैं। फिर लिख के आता है ₹100 पर प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल एट पार, 5% कूपन, ये सारा इनका डिटेल आ जाता है लिख के कि भाई किस हिसाब से ये सिक्योरिटीज इशू होनी है, कितना उनका टाइम पीरियड था, कूपन रेट क्या था, ये सब आ जाता है। अभी इस वक्त दिमाग में शॉर्टकट मेथड चल रहा होता है कि I1 - X1 + 1/N वो सब कर देंगे, उसकी जल्दबाजी ना करें। इक्विटी फ्लोटेशन 4, मार्केट प्राइस 24, नेट प्रोसीड हो जाएंगी 20। ठीक है जी, नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड 1, D1 नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड बहुत क्लियरली, ग्रोथ रेट 5, फर्म हैज द प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल द अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ये लाइन बेटे हमारे जज्बातों के साथ बहुत बार खेल चुकी है कि जहां इम्प्लिसिट ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट जब हम समझते हैं तो वहां सिखाया जाता है कि ग्रोथ तभी होगी अगर रिटेंशन होगी। एक फॉर्मूला भी करते हो आप, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू रिटेंशन इंटू ROE, याद है आपको? हाँ। अब अगर ऐसा कोई बच्चा बैठा है जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलता है, इसी को ग्रोथ रेट मानता है, तो इसमें गलती निकाल देता है इंस्टीट्यूट की, कहता ग्रोथ कहां से आ गई जब फर्म हैज प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल अर्निंग एज डिविडेंड, जीरो रिटेंशन तो जीरो ग्रोथ नहीं, इस मॉडल के अकॉर्डिंग तो जीरो ही आएगी। पर मैंने आपको कहा था कि जब ग्रोथ रेट स्पेसिफिकली गिवन है तो आपने उसे रिस्पेक्ट देनी है और मानना है, और कई बार रिटेंशन से नहीं, बिजनेस बढ़ने से भी ग्रोथ हो जाती है। सेम कैपिटल पे ही कस्टमर बेस बढ़ जाता है, ठीक है, और आपके पास और नए नए ऑर्डर्स आते हैं तो उससे भी ग्रोथ हो सकती है। तो प्लीज इग्नोर दैट कॉन्सेप्ट कि भाई फॉर्मूले से ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, उस चीज को इग्नोर रखना। अभी तक सर सब सेम सिंपल जा रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30 है, ये आ गया सर यूज YTM। YTM अगर आप देखें तो बहुत कम बार पेपर में यूज हुआ, हमने इसके सारे क्वेश्चन किए थे प्रैक्टिस के लिए, एज ए क्वेश्चन को भी YTM से किया गया था जो इसके है भी नहीं, बट ओवरऑल पेपर में कम आता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट है। आइए सर सभी कॉम्पोनेंट्स की कॉस्ट देखें। कॉस्ट टू इक्विटी डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से निकाली गई है, नॉर्मल फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू D1 अपॉन नेट प्राइस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फ्लोटेशन दी हुई है प्लस ग्रोथ, तो आप सब चेक कर लीजिए, डायरेक्टली गिवन है, 10% की KE आपकी आ जाती है। अब जब बात आपकी आती है ये इस चीज की, लाइक आपका ये डिबेंचर्स का कॉस्ट निकालना YTM वगैरह से, तो ये सर थोड़ा सा हमें डिटेल में ही समझना होगा। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, इन्होंने लिखा हुआ है कि मार्केट प्राइस ऑफ दीज डिबेंचर इज 105, प्रेफरेंस शेयर 110। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर हम देखते हैं तो यह बताया गया है कि ₹100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार है, 10% कूपन है, 4% फ्लोटेशन भी है। तो इंस्टीट्यूट यही मान के गया, ध्यान से समझना, कि भाई मार्केट प्राइस पे आपने इशू की है, मार्केट प्राइस पे YTM लगाते हो। मैं आपको यहां दिखा देता हूँ, कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हो तो इन्होंने करंट मार्केट प्राइस उठाया, उस पर फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दी, फिर उसके बाद उसे कंपेयर किया कि इसको हम अपने स्टाइल में बनाते हैं कि कैसे। ये देखो, ये है जीरो पीरियड, जहां कंपनी के एंगल से इनफ्लो है अगर वो डिबेंचर इशू करती है, 105 उसका मार्केट प्राइस है, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, तो 105 में से 4% आप हटा दो, 105 माइनस 4% आया था 100.8, ये आपका इनफ्लो रिसीव हुआ आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आंसर में भी देखिएगा, यहां पे आपको 100.8 दिखाया गया है। फिर उसके बाद आपने यदि लाइफ पढ़नी है, कितनी है सर इसकी लाइफ जो है 10 ईयर्स है,
तो काफी लंबी चौड़ी लाइफ है। तो जैसे 1 2, अब मैं थोड़ा या स्किप कर दूंगा यहाँ पे ऐसे, तो ये 10th, इसमें आउटफ्लो होंगे कंपनी के एंगल से, उसे इन डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और एंड में इनकी रिडम्पशन भी करनी पड़ेगी। सर पहले इंटरेस्ट को आराम से समझ लो, 100 रुपये फेस वैल्यू है, इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे होता, 10% कूपन है, तो जो इंटरेस्ट का सिंपली आई अमाउंट है वो 10 है, पर कंपनी जब कॉस्ट कंसिडर करेगी तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट लेगी, तो आई 1 माइनस टैक्स, तो इट विल बी 7 रुपये, 7 रुपये की कॉस्ट होगी। तो आउटफ्लो में यहां 7 7 7, 10th ईयर में भी आएगा आई 1 माइनस टैक्स। ये तो हो गया जी, मैं यहां लिख भी देता हूं कि आई 1 माइनस टैक्स का आउटफ्लो है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन देर विल बी रिडम्पशन वैल्यू। अब रिडम्पशन इज एट पार, तो ये 100 रुपये यहां वापिस करने हैं आपने। तो अच्छी तरह इंस्टीट्यूट का भी आप आंसर देख सकते हैं, उन्होंने प्रॉपर आपको दिखाया कि 1 to 10 ईयर 7 की तो एन्यूटी बन सकती है, और जो 10th है ईयर उस पर एक आउटफ्लो और है 100 रुपये का, वो सिंगल आउटफ्लो है। अब YTM मेथड से कॉस्ट पता करनी है। सर टेक्निकली सोचें, जो मैंने आपको सारा सिखाया इतना YTM के बारे में, अगर यहां पे 100 ही आए होते, अगर यहां पे 100 ही आए होते नेट आपको, ठीक है, 100 ही आप एंड में वापस कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट इतनी ही होती, 7/100 कितने परसेंट, 7। चाहे दुनिया का जेड़ा मर्जी कैलकुलेटर यूज कर लिया जाए, एक्सेल फाइल यूज कर लीजिए, इधर YTM अलग नहीं आ सकता। अब ध्यान से देखें, हमें नेट इनफ्लोज 100.8 है, इंटरेस्ट हमने 100 के अकॉर्डिंग दिए, 100 पे 7%, ठीक है, आफ्टर टैक्स करके, और 100 ही वापिस किए, स्लाइटली इनफ्लो ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा इनफ्लो, इस वजह से कॉस्ट 7% से थोड़ी कम होगी, 7% से थोड़ी कम। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने एक बार प्रेजेंट वैल्यू निकलवा ली 5% पे सॉल्व कर दिया पूरा, फिर 7% पे निकाल दी, फिर उन दोनों में इंटरपोलेट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि सर ये हम अपने तरीके से करें, मेरे को कोई ज्यादा इसमें वो इंप्रेसिव सा नहीं लग रहा, बट हमारा करने का तरीका ना थोड़ा ऐसे होता है, मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने ऐसे लिखना था, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 7, इंस्टीट्यूट पहले क्या कर रहा है 5%, हम ज्यादा नहीं खपाते अपने आप को ना, डाटा वहीं से ले लेते हैं। हमने कहना था आई 1 माइनस टैक्स इंटू PVIF 5% 10 ईयर्स प्लस RV इंटू PVIF 5% 10 ईयर्स, ठीक है सर। ये उसमें ना NPV निकालने शुरू कर देते हैं हर लेवल पे, वो नहीं चाहिए हमें, हमारा ये आएगा 7। PVIF की वैल्यू इंस्टीट्यूट की कॉपी करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, 7.722, ये 5% 10 साल। आपको कोई शक है तो आप एक बार बना के भी देख लीजिए, एक ही मिनट लगता है, कोई ज्यादा टाइम तो इसमें लगता ही नहीं है। GT फंक्शन से आया है 7.7217, तो उसको उसने 22 कर दिया, ठीक है सर। और यहाँ 100 रुपये, इसके ऊपर सिर्फ 10th ईयर का फैक्टर। अब सिर्फ 10th ईयर का फैक्टर क्या है, 0.614, ठीक है सर। हम लोग जैसे करते हैं, मैं वैसे आपको आंसर ला के दिखाना चाहता हूँ, तो सर ये हम ये चीजें नहीं करते होते, हम करते हैं 54.05, 54.05 प्लस 61.40, ये आ रहा है इतना। अब हम कैसे करेंगे, वह तो सर अगर हमें अपना पूरा अपना स्टाइल करना होता ना, तो हम 5 पे करते ही ना, हम तो 6 पे करते, क्योंकि हमें पता था 6 से ज्यादा, 7 से हल्का सा कम ना। अब हम ऐसे देखेंगे, नहीं नहीं ये तो सर इसके बराबर नहीं आया, कि जिस रेट पे इनकी प्रेजेंट वैल्यू, इन आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लोज के बराबर होगी, वही तो YTM है, तो ये तो सर बराबर नहीं आया, 5% पे तो बराबर नहीं आया। अब रिलेशनशिप क्या था, कि रेट इंक्रीजेस तो प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीजेस, तो आप अगली PV लगा दोगे एट द रेट 7%। अपनी कॉपी पे पूरा ऐसे बनाना, अब 7% वाले मैं यहीं से फटाफट आंसर कॉपी कर लूंगा, 49.17 50.80 लीजिए सर, ये आ गया 99.97, वेरी वेरी क्लोज टू द रिक्वायर्ड आंसर। हमें 100.8 लाना है, ये आ गया 99.97, इसका मतलब रेट 6% से 5% से तो ज्यादा ही है,
तो हम उसे बेस ले लेते हैं और 7% से थोड़ा सा कम है। मैं अपने वाला यूनिटरी मेथड करा रहा हूँ, आप काफी लोग अलग अलग तरीके से किए होंगे क्योंकि अब सारे इसको सुनने वाले हमारे स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपने कर रखा वैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 5% पे सर जी ये वैल्यू है 115.45, ठीक है। 7% पे प्रेजेंट वैल्यू आई है 99.97, ठीक है सर। सर हमें वैल्यू कितनी चाहिए? सर हमें एक एज ए रेट पे वैल्यू चाहिए जहां 100.8 हो जाए। तो हमने 5% को तो बेस मान ही लिया, अब सर कैसे चलें? ये देखो इन दोनों में डिफरेंस देखो, 115.45 99.97 15.48 वैल्यू डाउन करने के लिए रेट बढ़ा 2%। 1 रुपए से वैल्यू डाउन करनी है तो रेट इतना बढ़ा लीजिए। वैल्यू कितनी डाउन करनी है सर? इसको लाना है 100.8 पे, पता कीजिए 115.45 माइनस 100.8 14.65। यूनिटरी मेथड अप्लाई कीजिए, इंटू 2 डिवाइड बाय 15.48 सर आ रहा है 1.8927, ठीक। इट मींस इतने परसेंट इसमें और ऐड करना होगा अगर आपको अपने टारगेट वैल्यू तक पहुंचना। तो रेट आया 6.89%। इंस्टीट्यूट का भी बिल्कुल सेम है, डाटा मैंने इंस्टीट्यूट का यूज किया है, पर ये इंस्टीट्यूट या ना इस पे और इस पे एनपीवी निकालने लग जाता है। ये तो शुरू से हमने वैसे किया हो फिर हम उसे यूज टू होते हैं, पर हमारा करने का तरीका कैपिटल बजटिंग हो या ये चैप्टर हो, हमारा IRR ऐसे ही आता है। IRR और YTM वन एंड दी सेम थिंग, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब ऐसी एक आपको YTM से कॉस्ट निकालनी पड़ेगी प्रेफरेंस शेयर की भी। अब प्रेफरेंस शेयर भी मार्केट प्राइस पे इशूड माने, उसमें 2% माइनस कर दिया इन्होंने फ्लोटेशन का, ठीक है जी, वो रह गया फिर इतना। फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यू के साथ कंपेयर कर दिया गया। अब उसमें खास बात का ध्यान क्या रखना, मैं कि यहां से डाटा देखें सर, प्रेफरेंस पे जो डिविडेंड है वो जाएगा 5% 100 रुपए पे 5 रुपए, पर उस पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो D1 माइनस टैक्स नहीं होगा। मतलब कि उसका जो ऐसे वाला ग्राफ बनेगा ना बेटा, मैं एक बार आपको डिटेलिंग कर ही दूं, 0 पीरियड या आपको उसमें इनफ्लो मिला, आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, तो आपने इशू किया जी 110 पे, उस पे फ्लोटेशन के आपके लग गए 2%, 110 माइनस 2%, तो आपको यहां आया 107.80, 110 माइनस 2%। अब जो आपके आउटफ्लो होने हैं, अब आप जो के आउटफ्लो आपके होने हैं यहां तक 10 साल तक, वो होने आउटफ्लो डिविडेंड के, उसमें D1 माइनस टैक्स ना करना, क्योंकि देयर इज नो टैक्स बेनिफिट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड आपका 5% के हिसाब से 5-5 रुपए जाता रहेगा। फिर आप इसकी रिडम्पशन वैल्यू भी देखोगे, रिडम्पशन वैल्यू जो है रिडीमेबल एट पार है 100। अब सर अगर इसमें दिमाग लगाएं, यहाँ काफी पैसे एक्स्ट्रा आ गए आपको इसके मुकाबले, तो इसकी कीमत आपको 5% से तो कम ही पड़ेगी। इंस्टीट्यूट ने क्या डिस्काउंट फैक्टर लिए सर? इंस्टीट्यूट ने 3 और 5 में सॉल्व किया, आंसर ये दे दिया। ये रहा एक नया, मतलब नया नहीं मैं कह सकता, खैर ये कह सकता हूँ कि भाई थोड़ा कम जो होता है, ज्यादातर शॉर्टकट मेथड से आप रिडम्पशन मॉडल को सॉल्व कर देते हो, YTM में आप लोग कम जाते हो। तो मैंने आपको एक YTM तो पूरा डिटेल में समझाया, ये डिबेंचर वाला। प्रेफरेंस की मैंने आपकी ये टाइमलाइन बना के दे दी है, अब आपको इनकी डिस्काउंटिंग करनी है, जिसमें मैंने कह दिया कि ये 5% से कम आने वाला, अपने मेथड से करें तो कॉस्ट लें। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये कॉस्ट आ जाएगी तो आपको WACC कंप्यूट करने का मौका मिल जाएगा। अब WACC बुक वैल्यू वेट्स पे जब कंप्यूट करनी है तो इन सब की बुक वैल्यू ही लिखनी है, इन्होंने इनके वेट्स की परसेंटेज भी निकाल ली है, कॉस्ट वही उठानी है जो ऊपर निकाली थी, देन वेटेड एवरेज करनी। और जब आइएगा मार्केट वैल्यू वेट पे तो इन सब चीजों की मार्केट वैल्यू लिख देना, मार्केट वैल्यू नेट प्रोसीड नहीं, ठीक है। जैसे इसकी मार्केट वैल्यू 105 थी, यहां से दिखाना ज्यादा आसान होगा सर, ये देखिए 105 110, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स को उससे मल्टीप्लाई कर देना, मार्केट वैल्यू वेट्स पे कन्वर्ट हो जाएगी चीज। ये देखिए ये अब मार्केट वैल्यू वेट्स है, इसकी भी इन्होंने वेट परसेंटेज निकाली है,
ध्यान इस बात का रखिएगा जो क्लास में बार बार समझाते हैं, कॉस्ट परसेंटेज वही रहेगी, वेट बदल लें कोई इश्यू नहीं है, कॉस्ट ना बदल दें कहीं किसी चक्कर में, अकॉर्डिंगली सर ये आपके पास आ जाएगा बहुत ही प्यार से। तो थोड़ा सा YTM का ध्यान रखिए, अदरवाइज क्वेश्चन आसान है। हाँ जी सर, फिर और आगे बढ़ते हैं। कोई YTM अप्रोच ये होती है ना, टेक्निकली यील्ड टिल मैच्योरिटी क्या है, उसका मतलब है कि जैसे कोई आज खरीद रहा है, आज अगर खरीद रहा है सिक्योरिटी को मार्केट रेट पे और एंड तक रखता है, मैच्योरिटी तक रखता है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। ये ज्यादा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यील्ड वर्ड यूज किया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, पर जैसे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट निकालनी थी, ये वर्ड IRR भी यूज कर सकते थे, बट आपको पता ही है कि इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रिटर्न और कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलमोस्ट सेम तरह की चीजें हैं, तो वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं। अब आता है जी कैपिटल स्ट्रक्चर का सवाल, पुराना सवाल है सर, फिगर्स बदली हुई है सिर्फ। Xylo Limited is considering two alternative financing plans, plan A, plan B. ठीक, share 10 each, 100 each, preference. Indifference point 480 है। Indifference point क्या होता है? Sir, indifference point एक ऐसा level होता है EBIT का, जहां पे EPS और plan A is equal to क्या हो जाती है? EPS और plan B. ये होता है आपका indifference point. Tax rate है 30%. आपको रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर निकालना है, तो करने के काफी तरीके हैं। इंस्टीट्यूट ने कैसे कर रखा हुआ दिखा देता हूं। इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि भाई जो इंडिफरेंस पॉइंट दिया हुआ था, ये इंडिफरेंस EBIT दिया था 480, इस पे क्या किया कि EPS एज पर प्लान वन इज इक्वल टू EPS एज पर प्लान बी लिख दिया। नॉर्मली हम ऐसे तब लिखते हैं जब वो EBIT हमें ढूंढना होता है, या EBIT पता है, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लान बी में कितना वो पता नहीं है, तो बैलेंस फिगर में प्रेफरेंस डिविडेंड निकल आएगा 480 EBIT। प्लान ए में इंटरेस्ट होगा, यस सर होगा, बिकॉज ऑफ डिबेंचर्स, 4,12%। फिर 1 माइनस टैक्स 30%। नीचे नंबर ऑफ शेयर्स, अब ये नंबर ऑफ शेयर्स यहां थोड़े से मेरे को देखने में गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ये 8,00,000 रुपए लिखे हुए हैं, 10 ईच का शेयर है, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, तो इट शुड बी 80,000। ये थोड़ा नंबरिंग ज्यादा होगी, चल गया कि दोनों तरफ सेम था, अल्टीमेटली वो एलिमिनेट होना, बट करेक्शन इज देयर, 80,000 शेयर्स होने चाहिए सर, बाकी आप समझदार हैं जिस तरह भी, ठीक है ना, ये अपना ठीक ठुक कर लेना। फिर उसके बाद प्लान बी में लिखा EBIT 1 माइनस टैक्स, क्योंकि उसमें हमारे पास डेट तो है नहीं, माइनस PD, मतलब यू वॉन्ट टू से 480 एक ऐसा EBIT है जिसमें EPS of A is equal to EBS of B हो जाती है, तो ये चीज हम इक्वेट कर देते हैं और यहां से PD निकल आएगा। अब हम लोग क्लास में कई बार ऐसे भी करते होते हैं कि यहां से EPS निकाल के फिर इक्वेट कर देते हैं, एक ही बात है सर, EPS को इक्वेट किया हो इंडिफरेंस पॉइंट पे, PD इज मिसिंग, वो निकालना है। PD आता है 33,600, फिर उसकी परसेंटेज आ जाती है 4,00,000 पे, तो ये आप बड़े प्यार से कर सकते हैं सर, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लीवरेजेस का टॉपिक आ गया, फेवरेट टॉपिक माना जाता है बच्चों का, कि इजी बहुत ज्यादा है, हर बच्चा चाहता है मेरी बार भी लीवरेज आ जाए। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ PS लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च कंसिस्टेड एज फॉलो, इक्विटी शेयर कैपिटल 10,00,000 रुपए, डिबेंचर 10,00,000 रुपए, ठीक है सर, अभी तक नॉर्मल। ड्यूरिंग द ईयर 1920 सेल डिक्रीज टू 1,00,000 यूनिट एज कंपेयर टू 120 इन द प्रीवियस ईयर, ये 1920 की एंडेड इन्फॉर्मेशन थी, कहने का मतलब इस बार 1,00,000 यूनिट की सेल हुई है, पिछली बार 1,20,000 थी। सेलिंग प्राइस 12 है, वेरिएबल आपकी 8 है, कंट्री आ गया 4 रुपए, फिक्स एक्सपेंस इतने इतने, टैक्स रेट ये है। आपको कहा गया कि फाइनेंशियल लीवरेज निकाल लो इस लेवल पे, और इस लेवल पे भी ऑपरेटिंग लीवरेज भी निकाल लो। फॉर्मूले आते हो तो बहुत ही आसान है सर, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT कर देंगे तो आपको ऑपरेटिंग लीवरेज मिल जाएगी, EBIT अपॉन EBT कर देंगे तो आपको फाइनेंशियल लीवरेज मिल जाएगी, फिर परसेंटेज चेंज इन EPS भी निकाल दो, तो मतलब हमें दोनों लेवल्स पे EPS भी निकालनी ही पड़ेगी। बेकार क्वेश्चन है, पर इतना है कि अगर लग गया तो 8 नंबर है, क्योंकि लेंथ है, टाइम कंजम्पशन है, उस वजह से नंबर तो दिए जाएंगे। ये सर पिछला साल था 1,20,000, और एक करंट ईयर है 1920 जिसमें 1,00,000 की सेल हुई है। अब आप पढ़ लो एक बार, सेल डिक्रीज टू 1,00,000, ठीक है सर, नॉर्मल वे में कॉन्ट्रीब्यूशन तक आप पहुंच रहे हैं,
₹4 कंट्री था पर यूनिट, हमने चेक किया था ₹4 के हिसाब से सही है। देन देयर इज फिक्स एक्सपेंसेस, देन ईबीआईटी, देन डिबेंचर का इंटरेस्ट, देन पैट वगैरह, सारी चीजें बिल्कुल ही साफ, कोई अजम्पशन कुछ नहीं दिख रहा। फॉर्मूले भी बिल्कुल साफ लगाए गए हैं, फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, देन ईपीएस निकाल दी, फिर उसमें कितना चेंज आया वो भी निकाल दिया। तो ये सर 4 क्वेश्चन थे आपके पहले वाले, ठीक है जी, बहुत ही सिंपल। अब आता है सर क्वेश्चन नंबर 5। ये ऐसा डाला है ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन में से, कैपिटल बस्टिंग के नाम पे ज्यादातर इस चैप्टर को हम करते हैं, तो ये सर इन्होंने उठाया ओल्ड कोर सीए फाइनल में से। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो नेचुरल है जिस बच्चे ने पहले नहीं किया हुआ उसका सारा एज इट इज कर पाना, जैसे इंस्टीट्यूट ने किया हुआ बिल्कुल इनके वाला आंसर निकाल पाना, बहुत कम चांस है, बहुत कम, कहीं ना कहीं बच्चा गलती कर देगा। तो इस क्वेश्चन की बहुत ज्यादा डिमांड है बेटा, तो इसको अच्छी तरह समझें आप। मैं सारे पॉइंट जैसे आप लोग करते हैं वैसे कराता हूं, पहले यदि पूरी स्टोरी समझाता हूं। कहता है लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इज कंसिडरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन टू प्रोसेस द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू बी कन्वर्टेड इनटू मार्केटेबल प्रोडक्ट। अभी क्या हो रहा है कि इनका कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, उसमें कुछ प्रोडक्ट वगैरह बनता होगा, उसका कुछ वेस्ट निकलता है। अब ये सोच रहे हैं कि एक मशीन लगाएं, उस मशीन के जरिए इस वेस्ट से भी कुछ प्रोडक्ट बन सकेगा। बहुत अच्छी बात है सर, आइडिया बुरा नहीं है कि जो चीज वेस्ट है जिसको मैनेज करने में काफी दिक्कत आती होगी, डिस्पोजल करना पड़ता होगा, उसी को यूज करके कुछ मार्केटेबल प्रोडक्ट बना दिया जाए। कई चीजें दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं, सर मशीन कितने की आएगी, आउटफ्लो का ध्यान आता, सर फिर जो वेस्ट है, जो पहले आप वेस्ट का कुछ तो करते ही होंगे, क्या उसे वेस्ट की तरह बेचते हैं या वो ऐसा है कि बिकता नहीं है बल्कि क्लियर कराने में पैसे लगते हैं। हाँ जी सर, यही सोच होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताता था कि कैपिटल बजटिंग में दो तरह के क्वेश्चन है, एक तो ये ले भी कैश फ्लो, ये ले लाइफ, ये ले टैक्स का रेट सॉल्व कर दे, ये एनपीवी निकाल दे, आईआरआर निकाल दे, एआरआर निकाल दे, पे बैक निकाल दे, ये तो पप्पू क्वेश्चन होते हैं, इनकी तो कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है। एक होते केस बेस्ड क्वेश्चन, स्टोरी, जैसे हमने वो बिल्डिंग बनाई थी, फिर हमने वो हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन किया था कि उन्होंने खुद अपनी एक्सरे मशीन लगा ली थी, ऐसा कुछ था, तो स्टोरी वाले क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, तो पूरा समझ के करेंगे, बने रहें। एट प्रेजेंट अभी क्या हो रहा है, वेस्ट इज रिमूव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर फॉर डिस्पोजल ऑन पेमेंट बाय कंपनी ₹150,00,000 पर एनम नेक्स्ट 4 ईयर्स। अच्छा जी सर जी, अभी ये वेस्ट इतना ज्यादा होता है कि इसको डिस्पोजल के लिए हमने एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और हमारे से अच्छी खासी सर्विस के चार्जेस लेता है, कितने, ₹150,00,000 एक साल के, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, 4 साल की बात तो लिख दी गई है। सर अभी इमीडिएटली दिमाग में ये आता है कि अगर मैं इस वेस्ट से प्रोडक्ट बना लूं, अगर मैं इस वेस्ट से प्रोडक्ट बना लूं तो मेरे ये पैसे तो बच गए, मेरी ये सेविंग तो हो रही है। ठीक है सर, बिल्कुल हो रही है, पर थोड़ा पढ़ लें। और द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन इंस्टॉलेशन ऑफ अफोरसेड मशीन, मतलब उस वेस्ट रिमूव करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को हम कह देंगे भाई अब आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इससे कुछ प्रोडक्ट ही बना लेना, अब ये वेस्ट नहीं है, ये तो हमारे लिए एक रॉ मटेरियल है। ओके का बेटा ठीक है, पर तुमने मुझे 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, अब तुम कैंसिल करने लगे हो। हम कहेगा हाँ जी हम तो करने लगे हैं। क्या बेटा ऐसे नहीं कैंसिल होता, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन इंस्टॉलेशन ऑफ फोरसेड मशीन ऑन द पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ ₹90,00,000 बिफोर प्रोसेसिंग स्टार्ट, टाइम जीरो आउटफ्लो, नोट करें टाइम जीरो आउटफ्लो है, ये T0 पे होगा ये। सर इट इज पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने ₹150,00,000 की सर्विसेज हर साल उसकी 4 साल के लिए लेनी थी, ₹600,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आप कह रहे हो ठीक है भैया कोई बात नहीं आप कहीं और देख लो, वगैरह ये कहीं और देख लो नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट देख लो, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पार्टी ब्रीच करती है तो उसे डैमेजेस देनी पड़ती है, आपको पता है। तो ये वो है, तो ₹90,00,000 एक आउटफ्लो है। अगर आप ये काम करने की सोच रहे हैं, सबसे पहला आउटफ्लो ये है आपका, फिर आप मशीन ले आना, पहले इसके साथ अपना समझौता कर लो कि भाई आप जाओ, वेस्ट तो हमें चाहिए, और टाइम जीरो पे है बिल्कुल शुरुआत में। दिस कॉम्पनसेशन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पस, कह रहे इसका टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, नॉर्मली मिलता है सेक्शन 37 में जब हम पढ़ते हैं कि जो भी पेनल्टी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है बिजनेस में
उसका डिडक्शन मिलता है, इसको खर्चा ही माना जाता है बिजनेस का। पर याद रखना होगा कि भाई इसका आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन के अनुसार। अब जो मशीन रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्टर से, तो चलो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा दिया, वेस्ट आपका पोजेशन आपके पास ही रहेगा। अब इट कैन बी यूज एज अ रॉ मटेरियल, पर उसकी प्रोसेसिंग के लिए मशीन तो अभी नहीं ना आई। मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग विल कॉस्ट 600 लाख रुपए। अब इसमें जल्दबाजी में टाइम जीरो आउटफ्लो ना लिख लें, इसे पढ़ लें पहले पूरे, ये शायद ये ना बन पाए। टू बी फाइनेंस्ड बाय लोन रीपेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर 1। मतलब कि इसकी रीपेमेंट करेंगे, एक लोन के जरिए मशीन खरीदी जाएगी 4 बराबर किश्तों में, 600 डिवाइड बाय 4 150। तो ये इसकी रीपेमेंट शेड्यूल कुछ ऐसी बनेगी, 150 लाख का आउटफ्लो यहां, 150 लाख का यहां, 150 लाख का यहां, प्रिंसिपल रीपेमेंट। और जो इस पे इंटरेस्ट होगा सर, उसको पहले देखना, क्योंकि इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग द इनकम 3613, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलाउड एज डिडक्शन 3613। सर इंटरेस्ट रेट पे तो मेरा पूरा ख्याल बना ही हुआ है, द इंटरेस्ट रेट इज 14% पर एनम, इसको तो मैं डिडक्शन लूंगा ही लूंगा ना। ये यहां बोल रहा है कि डिडक्शन नहीं होनी, क्योंकि अगर ये बोल दे तो जिस चीज की डिडक्शन हो सकती है उसकी भी नहीं होती, पर जे ना बोले तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर अप्लाई। एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 60 लाख, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल विल बी 45। तो सर नेट प्रोसीड्स तो 15 लाख ही आएंगी, चलो 15 आएंगी है तो इनफ्लो एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। चलो सर ये तो आपने सारे झमेले बता दिए कि अच्छा जी वो कॉन्ट्रैक्टर को कहना पड़ेगा कि भाई आप आगे से ना हो, फिर वो चीखेगा तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। आपने ये बता दिया मशीन के लिए फंडिंग है नहीं है, लोन लेना पड़ेगा 14% पे। अब इससे जो बना रहे हो उससे कुछ दिखाओ, कि अभी तक तो मेरे को यही एक फायदा समझ आया कि ये जो सेविंग होनी है ये तो मेरे को समझ आ गई कि कॉन्ट्रैक्टर के बिल नहीं आएंगे। सर जो प्रोडक्ट बनना वो तो दिखाओ, ये रहा सर, सेल एंड द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इमर्जिंग फ्रॉम द वेस्ट फॉर 4 ईयर आर एज अंडर। सेल सर इतनी इतनी, मटेरियल की कंजम्पशन, वेजेस, अदर एक्सपेंसेस, डेप्शन इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक। जब लिखी दिया इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक तो चेक ना कीजिएगा कि कैसे हुआ, क्योंकि जब आपने कोई रेट ढूंढ भी लिया एक्ट लगा के, एक्ट के रूल लगा के, तो ये मानेंगे नहीं, ये कहेंगे हमने लगा दिया बेटा। ऐसे देखने में तो लग रहा है कि बस इसमें इंटरेस्ट माइनस करो तो पीबीटी आ जाएगा, तो टैक्स लगा के चलते। नहीं सर, थोड़ा सा अगर इंग्लिश इतना ज्यादा बाकी हो, एक पूरा पैरा ठूस ठूस के इंग्लिश लिखा हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं ना ऐसा, यू हैव टू वेट। इनिशियल स्टॉक ऑफ मटीरियल रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसेसिंग द ऑपरेशन इज 60 लाख एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1। स्टार्ट ऑफ ईयर 1 का मतलब होता है टाइम जीरो, ईयर 1 की शुरुआत मतलब टाइम जीरो। फिर ये जो स्टॉक ऑफ मटीरियल रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड बोल रहे हैं सर, ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। कोई भी काम धंधा नया स्टार्ट करना है तो आपको डब्ल्यूसी फंडिंग की जरूरत पड़ती है, डब्ल्यूसी फंड्स की जरूरत पड़ती है। यू हैव टू प्रोक्योर द रॉ मटीरियल, यू हैव टू परचेज द स्टोर्स, क्रेडिट देना पड़ता है लोगों को भी, तो वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश है, मटीरियल मटीरियल में उलझा लेगा। मैं बताता हूँ कैसे उलझोगे, अभी देखना। स्टॉक ऑफ मटीरियल टू बी मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ द ईयर 1, 2 एंड 3 165 लाख, एट द एंड ऑफ द ईयर 4 इट विल बी निल। कुछ नहीं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, पूरी सेटिंग करके देंगे, वर्किंग कैपिटल का बना के देंगे आपको। स्टोरेज ऑफ मटीरियल, स्टोरेज ऑफ मटीरियल मतलब ये मटीरियल को रखने के लिए जगह भी चाहिए ना, विल यूटिलाइज द स्पेस विच वुड हैव अदरवाइज रेंटेड आउट फॉर 30 लाख पर एनम। अभी इस प्रोजेक्ट से आपको एक फायदा दिखा कि आप वो कॉन्ट्रैक्टर के पैसे नहीं दोगे, सेविंग हो जाएगी, तो ये नुकसान नहीं दिखेगा, क्योंकि जब इसकी मैसिव प्रोडक्शन शुरू होगी तो उसके मटीरियल को स्टोर करने के लिए गोडाउन चाहिए होगा। गोडाउन हमारे पास है पर हमने किराए पे दे रखा है, तो उसको कहना पड़ेगा नहीं भाई तुम जाओ यार, हमें तो खुद का इसमें काम करना है। तो उससे 30 लाख रुपए लॉस ऑफ रेंट हो रहा है बेटा हर साल, तो ये भी एक नुकसान कंसिडर कीजिए। लेबर कॉस्ट, अच्छा ऊपर वेजेस दिख रही है बेटा, अलर्ट हो ना। लेबर कॉस्ट वुड इंक्लूड वेजेस ऑफ 40 वर्कर हुज ट्रांसफर टू दिस प्रोसेस विल रिड्यूस द आइडल टाइम पेमेंट ऑफ 45 लाख इन द ईयर 1 एंड 30 लाख इन द ईयर 2। ये कुछ ऐसा बता रहा है कि जो लेबर कॉस्ट है ना उसमें 40 बंदों की लेबर इंक्लूडेड है। अब इस प्रोजेक्ट के होने से हमारी आइडल टाइम पेमेंट रिड्यूस हो रही है, मतलब वो बंदे ना वेले बैठे थे,
उनको इस प्रोजेक्ट में लगा दिया। अगर ये प्रोजेक्ट ना भी होता पैसे उन्हें तब भी देने थे। पहले साल कितना? सर 225 में से 45 लाख, लेबर कॉस्ट इंक्लूड। अब ध्यान से समझो, अगर ये प्रोजेक्ट ना भी होता तो फ्री बैठते, आपको उन्हें पे करना था। मतलब कुछ परमानेंट इंप्लॉयज होते ना, निकाले भी नहीं जा सकते होते। अब प्रोजेक्ट हो गया तो इधर एडजस्ट हो गए वो। तो क्या ये आउटफ्लो 45 लाख का आउटफ्लो इज ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट? नो सर। क्या इसे इंक्रीमेंटल आउटफ्लो कह सकते हैं? नो, क्योंकि इट इज टू बी पेड। तो हम इसमें जब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी असेस करेंगे, कैश फ्लो जज करेंगे, इसे 225 क्यों लें? 180 लेंगे। अगले साल कितना है इसमें से? सर 30। तो उसमें भी नेट कितना आ जाएगा? सर 195। यस सर 195 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अभी जब मैं और इसको दोबारा करूंगा, जब प्रॉपरली जगह आ जाएगी वहां दोबारा भी समझाऊंगा। उसके बाद शायद कोई आइडल टाइम पेमेंट इंक्लूडेड नहीं है तो ओके है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये तो सर बहुत बार ऐसी होते हैं कि अब्सॉर्ब्ड अपोर्शनड, तो देखते हैं क्या है। फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड्स अपोर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड, ये तो फिर आना ही नहीं। जनरल फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब है जो हमारे कॉमन एक्सपेंसेस हैं, उसका कुछ परसेंटेज इसको दे दिया नए प्रोजेक्ट को। सर अभी अलर्ट हो जाए, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ 90 लाख पर एनम पेबल ऑन दिस वेंचर, ये कट, इसकी जगह इंश्योरेंस आ जाएगी जो इस वेंचर की वजह से हुई। नाउ पी फैक्टर्स हमें दिए हुए हैं, आपको मैनेजमेंट को डिजायरेबिलिटी ऑफ इंस्टॉलिंग द मशीन बताना है, तो सारी कैलकुलेशंस भी करके देनी है। सर जैसा ही आंसर दिया उन्होंने, थोड़ा यह कंफ्यूजिंग है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है इस क्वेश्चन को और टफ बनाने में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां निकाल दिया, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो नीचे बनने लग गए। ठीक है, अब बच्चा जिस तरह की लुक चाहता होता आंसर की, वो बात सी उसकी बनी नहीं। ठीक है, तो मैं आपको इसका थोड़ा या आपके वाला स्टाइल दिखाता हूं कि आप लोग कैसे करते हैं। सर हमने पहले बनाना था इंक्रीमेंटल आउटफ्लो, ठीक है, ये बनाना था। उसमें सबसे पहले आता है पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन, पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन टाइम जीरो पे, ये तो आपको देना ही पड़ना है। सर कितनी कॉम्पोजिशन पे करनी है उसको हटाने के लिए? सर ये रही 90 लाख रुपए, ये सर। फिर सर डब्ल्यू सी रिक्वायरमेंट जो टाइम जीरो पे है, सीधा सीधा डब्ल्यू सी रिक्वायरमेंट, वो इन्वेंट्री यूनिट्री स्टॉक मटेरियल, ऐसे बेकार वर्ड ना मेरे साथ यूज करो, 60 लाख रुपीस। अभी इसमें लाने को मैं बहुत कुछ ला सकता हूँ, लाइक मैं कह दूं आप लोन रीपेमेंट्स की पीवीज यहां ले आओ, और देखते हैं कैसे करना है। अभी इसको क्लोज नहीं कर रहे, ये दो बातें बिल्कुल एज इट इज आपकी हैं। वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस हैं वो सारे मैं बताता हूँ। अब इंस्टीट्यूट का जो ये पीबीटी है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसे भी ये गए हैं, इसको चेक कर लीजिए कि यहाँ कोई बदलाव करना है या नहीं करना है। सर देखिए, सेल्स एज इट इज है, सेल में कोई भी पॉइंट बन नहीं सकता था। मटीरियल एज इट इज आएगा जो कंज्यूम होना, चेक करते जाओ मटीरियल एज इट इज है। वेजेस में मैंने आपको अलर्ट कर दिया हुआ है कि भाई देखो, जे तुम ये कह रहे हो कि 225 की वेजेस हैं, इसमें 45 की वेजेस तो उन 40 वर्कर की हैं जो बेले बैठे थे। अगर प्रोजेक्ट ना होता तो भी 45 लाख जाने थे, प्रोजेक्ट हो गया तो भी जा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा इस प्रोजेक्ट के कारण 225 नहीं लगे, एक्स्ट्रा लगे हैं सिर्फ 180। तो वो 180 आपको यहाँ दिखेगा। अगले साल आइडल टाइम जो इंक्लूडेड है वो 30 लाख का है, इसलिए वेजेस आपको यहाँ 195 दिखेंगी। देन उससे अगले सालों में वो बोला नहीं है तो अपने आप तो हम बना भी नहीं सकते। सर अदर एक्सपेंसिव वो कुछ नहीं बोला, तो ये एज इट इज कॉपीड दिखेंगे आपको। फैक्ट्री ओवरहेड में जो रेलेवेंट है, जो एडिशनल है, सिर्फ वो ही दिखाई देंगे। बिल्कुल सही बात है सर। लॉस ऑफ रेंट दिखेगा क्योंकि हमें जो स्टोर चाहिए होगा वो 30 लाख रुपए पे किराए पे चला जाता है। इंटरेस्ट की बात हम लोग मिलके करेंगे, समझ के करेंगे। सर देखिए, इसके लिए हमें एक लोन लेना पड़ा, वो आप सेकंड पैरा में है शायद, 600 लाख का लोन है। हाँ जी, तो उसकी ना हर साल की इंटरेस्ट की मैं बता देता हूँ कहानी क्या है। सर देखो, पहले साल इस पे 600 लाख पे 14% लगेगा, फिर एंड ऑफ द ईयर 150 लाख पे हो जाएगा, अगले साल 450 पे लगेगा, एंड ऑफ द ईयर 150 लाख पे हो जाएगा, फिर 300 पे लगेगा, फिर 150 लाख पे हो जाएगा, फिर अगले साल सिर्फ 150 रह जाएगा और लास्ट में ये पे हो जाएगा। तो यहां से आपके इंटरेस्ट आने हैं, दिस इज 84।
450 ये 21 पॉइंट ही कम होगा, बट मैं वैसे ही कंफर्म कर रहा था 63, क्योंकि देखो ना 150 का 14% 21 होता, तो 21 पॉइंट कम होता जाएगा। ये लीजिए, क्या ये इंटरेस्ट इतने इतने लिखे, 84, 63, 42, 21। यस, डेप्शन को मैंने कहा था बिल्कुल छेड़ना ना, नहीं तो वो नाराज हो जाएगी। डेप्शन जैसे लिखी हुई है वैसे ही उठानी पड़नी है, क्योंकि वो एज पर इनकम टैक्स रूल्स है। ठीक है सर, अब आप ध्यान से देखें, आपके पीबीटी के लेवल तक बिल्कुल सही इंस्टीट्यूट ने बना रखा है, कोई भी ज्यादा पंगे वाली बात नहीं है। आप अपने दिमाग में जो लोन के प्रिंसिपल की रीपेमेंट की बात सोच रहे हैं, वर्किंग कैपिटल की बात सोच रहे हैं, फजूल सोच रहे हैं, वो आइटम्स टैक्सेबल इनकम में नहीं आती कंप्यूट करते वक्त। तो ये पीबीटी है सर जी, पीबीटी में आपने टैक्स माइनस किया, बात खत्म, ये आ गया पैट। इन्होंने ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा था तो वही निकाला, हम लोग ज्यादातर सी फैट निकालते, तो हमने यहां ऐड कर देनी थी डेप्रिसिएशन। बोलो ही समझ रहे हो, हमने यहां ऐड कर देनी थी डेप्रिसिएशन। ये सर जी फिर इधर ये चले गए थोड़ा आगे, अगर आप देखें इन्होंने आगे जो कैश फ्लोज वाली स्टेटमेंट बनाई हुई है उसके अंदर इन्होंने जीरो पीरियड वाले भी, फिर वर्किंग कैपिटल का भी काम यही कर दिया है। एक आपके मन में आ रहा होगा कि सर एक बड़ा अच्छा बेनिफिट था कि वो जो पेमेंट सेव हो रही थी 150 लाख की, वो भी यहाँ आ रही है, फिर ये सारा कुछ चल रहा है। मैं थोड़ा सा बेटा जी यहाँ ना अलग करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं तो इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं होना अगर हम कैश फ्लोज ही बना रहे होते। देखो जरूरी नहीं होता कि हर चीज किसी की कॉपी करनी है। अब जैसे हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि इंस्टीट्यूट के पैट तक हम पहुंच गए, वह तो मेरे दिमाग में एक मॉडिफिकेशन यहां भी है, जिस तरह आप साथ देंगे 155.4, फिर आगे है जी 153.3, फिर है जी सर 235.2 235.2। इन दी एंड इंस्टीट्यूट वाली प्रेजेंटेशन भी आपको मैं सारी इसके साथ रिलेट करा दूंगा। यहां हम लोग डेप्रिसिएशन ऐड कर देते, डेप्रिसिएशन ऐड कर देते, डेप्शन थी 150, 114, 84, देन 63। ठीक सर, ये आ जाता कैश फ्लो आफ्टर टैक्स नए प्रोडक्ट का 305.4, 153.3 प्लस 114, 267.3 235.2 235.2 प्लस 84 सर 319.2 199.5 प्लस 63 262.5। फिर आप ये सोचेंगे कि सर वो जो सेविंग होनी थी आपकी, सेविंग इन कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, सर मेरे अकॉर्डिंग तो जब इन्होंने सोल्यूशन बनाया तो चाहे सेविंग इन कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को ऊपर ही लेते सेल के साथ। क्या था ये एक्चुअली, इसमें जा रहे थे कि यार हम इस प्रोजेक्ट में से पहले दिखा रहे हैं क्या हो रहा है, पर सर जो ये डिसीजन है कि वी आर गोइंग टू फर्दर प्रोसेस दैट वेस्ट, इसका एक आउटकम ये भी तो है सेविंग इन कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। यस सर, इसके बगैर इस प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन हो ही नहीं सकती, तो अब ले आओ फिर सेविंग इन कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। सर कितने देते थे उस कॉन्ट्रैक्टर को, सर उसकी फीस जाती थी 90 लाख रुपए शायद मेरे ख्याल से, मैं पर पढ़ के ही पंगे लूं, नहीं सर 150 लाख रुपए फीस जाती थी आपकी, 150 लाख रुपए। सर ये 150 लाख रुपए जब बचेंगे ना तो आपका 150 लाख रुपए प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उस पर सरकार आपसे टैक्स भी लेगी। हाँ बेटा ये तो है, तो ये तो टैक्स डिडक्टेबल कॉस्ट थी ना, तो 105 लाख की सेविंग काउंट होगी। ये देखो हमारा इंस्टीट्यूट भी ये सब कर रहा है, और उसके करने का तरीका ये होता है कि जो क्वेश्चन वैसे ही टफ है उसे और टफ बना दो। ये सर ये वाला एरिया इग्नोर करिएगा, ये देखिए ये आ गए यहाँ पे, हाँ जी 105 आ गए, ऊपर से प्रॉफिट भी आ गए, डेप्रिसिएशन भी आ गए। प्रॉफिट भी देखो नलायक ने कौन से उठाए, पैट नहीं उठाए, कहना बेटा मैंने और कंफ्यूज करना तुम्हें, पीबीटी उठा के डेप्शन एडबैक कर दी, कहना टैक्स बाद में माइनस करेंगे। शाबाश, बच्चों के जज्बातों के साथ खेलना आईसीआई का पुराना काम है, समझे कि नहीं। तो हमने यहां तक आपको पहुंचाया, अब हम यहां की सिचुएशन को यहां पहले बना लेते हैं कि क्या बना, क्योंकि मैंने उसके ना कैश फ्लो के साथ इन द एंड मैच करवाना है। हम पहुंच गए जी यहां तक, कैश फ्लो आफ्टर कंसिडरिंग दिस सेविंग इन डिस्पोजल कॉस्ट 372.3 319.2 प्लस 105 424.2 सर 262.5 प्लस 105 सर 367.5।
ठीक है सर, यहां तक तो पहुंच गए। अब हम अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। अब हमारे दिमाग में आएगा कि सर लोन जो रीपे किया उसका इंटरेस्ट तो आपने ऊपर फायदे में ले लिया, खर्चे में ले लिया, उससे टैक्स की बचत होगी, ठीक है बात। पर जो तो प्रिंसिपल पोर्शन है वो तो आउटफ्लो है, प्रिंसिपल आपने हर साल रीपे किया माइनस कितना आएगा, 150 पॉइंट की डिडक्शन प्रिंसिपल की। अब आप इंस्टीट्यूट के साथ भी सर बच्चों को चेक कराई जाओ कि उन्हें हर पॉइंट मिल जाना चाहिए। सर मिल गया जी, ये देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। सर अब मेरे ना एक दो पॉइंट बचे हैं, फिर मैं आपको यहां तक पहुंचा दिया ना अगर अपने मेथड से तो है बात, तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस क्वेश्चन पे कि ये सीधे तरीके से भी हो सकता था, ठीक है। मेरे सर पॉइंट पता क्या बचे हैं मैं आपको बताता हूँ। ऊपर मैंने आपको WC का जो एक्स्ट्रा उक्स्ट्रा हो रहा है सारा वो कुछ नहीं समझाया हुआ, उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और एक ये मशीन मशून जो है आपकी वो बेच के पैसे आने हैं, बस वो रहेगी सर इतनी सी बात। तो हम थोड़ी सी वेट करते हैं, इस स्टेटमेंट के लिए जगह छोड़ के आगे चलते हैं। पहले समझते हैं वर्किंग कैपिटल। सर देखो वर्किंग कैपिटल कैसे, इसके लिए T0 1 2 3 4, अब WC रिक्वायरमेंट लिखेंगे हम यहां पे, WC रिक्वायरमेंट ये यहां से पढ़ के लिखेंगे। इनिशियल स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज 60 लाख एट द स्टार्ट ऑफ ईयर वन। स्टार्ट ऑफ ईयर वन मतलब टाइम जीरो, 60 लाख। व्हेन स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल टू बी मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ ईयर वन, एंड ऑफ ईयर वन, ठीक है। तो मैं एंड ऑफ ईयर वन पे लिखूंगा, ईयर टू एंड ईयर थ्री 165, 165, 165, 165, ठीक है सर, बिल्कुल सर। अब सर और पढ़ लीजिए थोड़ा यार, एट द एंड ऑफ द ईयर फोर इट इज जीरो, मतलब रिकैप्चर हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। याद है वर्किंग कैपिटल, देखो आपने पता कैसा किया होगा, पहले रिविजन लगाओ, आपने ऐसा किया होगा कि जीरो पीरियड पे वर्किंग कैपिटल लगेगी, बीच में हिलेगी नहीं कहीं पे भी, फोर्थ ईयर में रिकवर हो जाएगी एंड में, ये तो किया होगा ना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको इसमें आउटफ्लो कैसे देखना होता। सर इसमें आउटफ्लो ऐसे होता कि एक तो ये जीरो पीरियड वाला आउटफ्लो है, फिर जितनी आपको बढ़ानी पड़ रही है 60 से 165 पे आ रहे हो, कितनी बढ़ रही है 105, ये आउटफ्लो ईयर वन के एंड पे है। सर यहाँ कोई आउटफ्लो होगा? नो सर, बढ़ी नहीं रही। सर यहाँ कोई होगा? नो सर। अब सर क्या होगा, रिकवरी ऑफ WC प्रोजेक्ट के एंड पे, ये हमारी वैसे भी स्टैंडर्ड अजम्पशन होती है, जो ना भी लिखाओ वर्किंग कैपिटल विल बी रिकवर्ड। ये अब जब हम अपने तरीके से बनाते हैं अलग अलग जगह पे, ये आउटफ्लो को हमने PV करके लिखना था, मैं वैसे करने को तैयार हूं, फिर आपको ये लगेगा इंस्टीट्यूट के यार वो जो कैश फ्लो आए थे ना ईयर वाइज सर के, वो नहीं आए, पर पता नहीं क्यों। तो कोशिश सर की ये चल रही है कि सर उससे मिला दें। सर देखो ये 60 लाख वाला तो मैंने आपका एक जगह पे लिखा हुआ, आप भी मानोगे मैंने टाइम जीरो वाला एक चार्ट बनाया हुआ, उसमें पड़ा हुआ मेरे पास ये। मैं इंस्टीट्यूट के इस कॉलम में जो टाइम जीरो कॉलम है ना उसके साथ नहीं टैली करने वाला, क्योंकि मैंने पहले बनाया हुआ। अब मेरे को ये 1 2 3 4 आपको टैली करके देने हैं अपनी स्टेटमेंट में। आ जाओ सर, यहां तक पहुंचे? हाँ जी पहुंचे हुए सर। प्रिंसिपल रीपेमेंट तक आपने करा दिया था हमें, प्रिंसिपल रीपेमेंट के बाद माइनस वर्किंग कैपिटल का इंक्रीमेंट, जहां वर्किंग कैपिटल का इंक्रीमेंट आया, ये सर चार्ट ये वाला सपोर्ट देगा। सर देखिए 60 लाख का शुरू में जीरो पीरियड वाले में चला गया, 105 का यहाँ है, 165 की तो रिकवरी है, ठीक है सर, 105 का यहाँ है ना? हाँ जी सर है। तो इसको यहाँ जगह दे दो 105, ये माइनस है ध्यान रखना, ठीक है, माइनस वाली आइटम है। अब सर क्या करोगे? सर अब वर्किंग कैपिटल का इंक्रीमेंट तो माइनस करवा दिया, अब वर्किंग कैपिटल की रिकवरी ये प्लस करूंगा, वर्किंग कैपिटल की रिकवरी 165 कौन से ईयर में? सर फोर्थ ईयर के एंड पे, फोर्थ ईयर के एंड पे, यस सर, ये भी बात सही है आपकी। सर अब नेट सेल्वेज वैल्यू भी लूंगा प्लांट की, उस पर टेक्स्ट बुक्स की बात फिर कर लेंगे, इंस्टीट्यूट ने कुछ नोट दिया हो पढ़ा देंगे आपको। नेट सेल्वेज वैल्यू सर वो ऊपर ही थी सर, ये मैंने 15 लाख बनाए थे, फोर्थ ईयर के एंड पे हैं 15 लाख। अब इंस्टीट्यूट का आंसर चेक करेंगे। देखो यहां तक तो हमने पहले ही सारी सेटिंग कर दी थी, ये सब है। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारे जड़े कैश फ्लोज हैं वो इतने बनते हैं। ले सर इसको आराम से चेक करो सर, 410.4
4, ठीक है सर, माइनस 150, ठीक है जी, आगे क्या भाई, माइनस 105, सर इस साल का तो आया 155.4, ये आपका कैश फ्लो है, पॉजिटिव है सर। 372.3 माइनस 150, वर्किंग कैपिटल की कोई भी करामात इसमें है नहीं, ठीक है, तो ये 222.3 लिखने दें मुझे सर। 424.2 माइनस 150, 424.2 माइनस 150, ये आ रहा है 274.2। यस सर, जिस बच्चे ने पेपर में करना है ना बेटा, उससे रिक्वेस्ट ये है, सारा एक बार कम से कम एक बार खुद कर लियो, ठीक है। मैंने उसको कोशिश की है कि इंस्टीट्यूट ने जितना उसे घुमाया हुआ उसको थोड़ा उसमें से आजाद करूं, पर जब तक अपने आप नहीं हुआ हुआ सवाल ही नहीं पैदा होता पेपर में ठीक हो जाए। तो ये सर आ रहे हैं, एक बार इनको चेक भी कर लीजिए सर। 155.4 यस सर, 222.3 यस सर, 274.2 एंड 397.5 लीजिए सर। तो जैसे मैं कह रहा था कि यार स्टाइल ना बदलो यार, क्वेश्चन के साथ स्टाइल ना बदलो, कहीं के नहीं रहोगे। पैट प्लस डिप्शन सी फैट, सेविंग कॉस्ट और डिस्पोजल, यहां मेरे अकॉर्डिंग ऊपर भी आ सकता था, तो टैक्स लग के ही आ जाता, अपने आप ही इसमें आ जाता ये। फिर जो प्रिंसिपल के आउटफ्लोज हैं और वर्किंग कैपिटल के चेंजेस हैं वो हमने यहां कर दिए पूरे अच्छे से। अब सर जी क्या होगा कि इनके ऊपर लग जाएंगे फैक्टर सर, वो तो हम भी लगा देंगे, ठीक है ना सर, तुम ही लगाओगे। और शुरू में जो आउटफ्लो है 150 लाख, हाँ जी इंस्टीट्यूट का तो 150 लाख है जीरो पीरियड पे सर, अच्छे से दिखा दीजिए एक बार। हाँ जी सर, 150 लाख ही आप देख लीजिए सर, हमारे पास है क्या 150 लाख? उस सर बहुत देर से, ये देखो छुपा के रखा गया था, इसको बढ़ने नहीं दिया गया था। वो ये था यार कि तुम्हें जो उसने ईयर वाइज लिखा है ना, मैं अपने मेथड से वही ला दूं। तो ये तो हुआ सर इसका, अब सारा क्लेरिकल काम, सेटिंग सारी जिसे कहते हैं कर दी गई है। देन देर इज अ पी फैक्टर्स, तो पी फैक्टर्स आपने लगाने हैं और उसके बाद नेटिंग करनी है, तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनपीवी आ रही है। और वो कह रहा है मैनेजमेंट को ये मशीन जरूर लगानी चाहिए। अब सर जी देखिए क्या लिखा है नोट्स में, कि कुछ आपके मन में भी हैं बातें और वो सारी बातें इसमें जवाब शायद आपको मिल जाए। कह रहा है जी स्टॉक इंक्रीजेस आर टेकन इन कैश फ्लोस, तो और फिर कहां पे करेगा, स्टॉक की जो रिक्वायरमेंट, स्टॉक के कारण जो पैसा ब्लॉक हो रहा है दैट इज वर्किंग कैपिटल यार, तो वो कैश फ्लोज में होता है। आइडल टाइम वेजेस हैव आल्सो बीन कंसीडर्ड, तो वो तो करनी ही थी। अपोर्शन फैक्ट्री ओवरहेड्स आर नॉट रेलेवेंट, सिर्फ इंश्योरेंस वाला ही रेलेवेंट है। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड 14% बेस्ड ऑन इक्वल, सर ये ना आधी तो बातें फालतू की हैं, एक जो बात तूने छुपाई है वो बोल सीधा। सेल ऑफ मशीनरी नेट इनकम आफ्टर डिडक्टिंग रिमूवल भी टेकन, कोई 60 लाख की मशीन बिकी, 45 का आपका रिमूवल था, 15 आपने बेचने पे कैपिटल गेन लॉस की बात ही नहीं की। टैक्स ऑन कैपिटल गेन इग्नोर्ड, ना ही हमने चेक किया, क्योंकि पहले चेक करना पड़ेगा 600 लाख में क्या डिडक्शन आज तक लगी है। सेविंग कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट एंड इनकम टैक्स देयर ऑन हैज बीन कंसिडर्ड इन कैश फ्लोस, वो तो करना ही था, हमने यहाँ करके भी दिखाया। 150 लाख रुपए जो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट है वो सेव हो रही थी, 30% टैक्स था। अब जो किसी को मशीन मशून की चिंता है तो थोड़ा सा काम उसके साथ कर लेते हैं, क्योंकि कई बच्चे होते हैं यार बेटा वो कहेंगे नहीं सर करना चाहिए, तो मैं तो खुद कहता हूँ करना चाहिए था, डेप्शन का टोटल लगा रहा हूँ तभी तो। सर ये 411 की डेप्शन है जो यहाँ लिखी हुई है, मशीन अगर आप देखें तो 600 की है, तो उसमें काफी बड़ा नुकसान होगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि उसकी ब्लॉक की वैल्यू ज्यादा बच रही है, बिक बहुत कम पे रही है, तो टैक्स बेनिफिट ऑफ कैपिटल लॉस आएगा अगर कंसिडर करते हैं। बट स्टिल इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन यार, अच्छी तरह करो। मैंने बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, आंसर वैसा लाने की कोशिश की है जैसे आपको मेथड्स आते हैं, ठीक है, तो इसको भाई अच्छी तरह कर दो यार प्लीज। बाकी फिर अगली वीडियो में कवर करते हैं। ओके जी बेटा, ओके।